इनकम टैक्स नोटिस पर कांग्रेस और भाजपा में वार पलटवार। कांग्रेस ने कहा बार बार दिए जा रहे हैं नोटिस। भाजपा बोली कांग्रेस ने नियम कायदों की उड़ाई धज्जियां। अपीलीय ट्रिब्यूनल से कोर्ट तक साबित हो चुकी है कांग्रेस की गलती। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए नाम वापसी का आज था अंतिम दिन। पहले चरण में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को होना है मतदान। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए तेज हुआ नामांकन। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन, राजीव चंद्रशेखर और गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी भरे पर्चे। लोजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों का किया ऐलान। हाजीपुर से लड़ेंगे चिराग पासवान, भाकपा माले ने 4 और एनसीपी शरद गुट ने 5 उम्मीदवार किए घोषित। सुप्रिया सुले बारामती से होंगी उम्मीदवार। बिहार में एनडी गठबंधन में खींचतान जारी। कांग्रेस नेता पप्पू यादव अभी तक पूर्णिया सीट को लेकर अड़े। बीमा भारती की पप्पू यादव को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत। भाजपा ने कसा तंज। भाजपा ने चुनाव घोषणा पत्र समिति का किया गठन। रक्षा मंत्री और वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह को बनाया गया समिति का प्रमुख। 27 सदस्यों वाली समिति तैयार करेगी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र।